नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि जोशी रसोई रश्मि के चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ लटा के लड्डू। तो आप लोग सोच रहे होंगे लटा के लड्डू क्या कहलाते हैं। तो लटा के लड्डू महुआ से बनते हैं। चलिए बनाते हैं लटा के लड्डू। ये रही सामग्री, 200 ग्राम महुआ है, देखिए 50 ग्राम पिसी हुई शक्कर है, 25 ग्राम तिली है, 20 ग्राम नारियल का बूरा है, 20 ग्राम सूखा नारियल है टुकड़े कटे हुए नारियल के, 20-25 काजू हैं, 20-25 बादाम हैं और 2 चम्मच छोटी चम्मच से घी है। शक्कर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं क्योंकि महुआ भी मीठे रहते हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तवे को गरम करेंगे और इसमें ये महुआ डाल देंगे, इनको सेकेंगे मीडियम आंच पर। गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे, इसको धीरे धीरे ऐसे चलाएंगे, धीमी आंच में सेकने पड़ते हैं ये। इसको धीमी आंच में सेकेंगे ऐसे, देखिए ये थोड़ा टाइम लगता है धीमी आंच में सेकने पड़ते हैं। इससे धीमी आंच में सेकने से लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, आप भी बनाइएगा। थोड़ी देर के लिए इसको इसमें छोड़ देंगे धीमी आंच में, फिर थोड़ी देर बाद फिर चलाएंगे। ये देखिए थोड़ी देर बाद सेकने वाले हैं। आप चाहें तो नॉर्मल कढ़ाइया में भी इसको सेक सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फ्राई पैन में ही सेकें। देखिए ये ऐसे चिपटे पड़ जाते हैं, देखिए ऐसे ये सिक गए हैं। गैस बंद कर देंगे, इसको थोड़ी देर ऐसे चलाएंगे और इसको एक बर्तन में ठंडे होने के लिए रख देंगे, फैला के ऐसे ठंडे होने के लिए रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। अब इसमें फिर से गैस ऑन करेंगे, इसमें ये तिली डालेंगे और ये नारियल डाल देंगे और ये बादाम काजू। अब इसको धीरे धीरे ऐसे धीमी आंच में सेकेंगे, धीरे धीरे ऐसे चलाएंगे, ऐसे धीरे धीरे चलाएंगे। तिली जल्दी सिक जाती है, चट्ट चट्ट की आवाज़ आने लगती है, तिली में खुशबू भी आने लगती है सिकने के बाद। और इसको धीमी आंच में ऐसे चलाते रहेंगे। ये देखिए सिक गई है तिली, देखिए ये काजू बादाम भी सिक गए हैं। अब गैस बंद कर देंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, इसको भी ठंडा होने देंगे 10 मिनट के लिए, दोनों ठंडे हो जाएंगे महुआ भी और ये भी 10 मिनट बाद। फिर इसको पीसेंगे, देखिए ये ठंडे हो चुके हैं महुए, देखिए ऐसे आवाज़ आने लगती है जब ये ठंडे हो जाते हैं। ये भी ठंडा हो गया, चलिए अब ये पीस लेते हैं हम लड्डू बनाने के लिए। जार में ये महुआ डालेंगे, इसमें ये जो सीखा था काजू बादाम और तिली ये भी इसी में डाल देंगे और इसमें 2 चम्मच 1 चम्मच ये घी डाल देते हैं अभी आवश्यकता अनुसार, ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा और डाल देंगे। अब इसको पीस लेंगे,
लेते हैं। देखिए इसको बारीक पीसना पड़ता है, अभी और पीसेंगे इसको। एक चम्मच घी और डाल देंगे इसमें, घी इसमें आवश्यकता अनुसार डालना पड़ता है। अब इसको फिर से पीस लेंगे। इसको पीस लिया है जी, ऐसे ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा। फिर इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में जी, और इसके लड्डू बनाएंगे। इसमें पिसी हुई ये देखिए पिस गया है, अब इसमें पिसी हुई शक्कर मिक्स करेंगे। इसको ठीक से मिक्स कर लेंगे, इसे ठीक से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसे ये मिक्स हो गई है शक्कर ठीक से। थोड़ा सा इसको और हाथों की सहायता से ऐसे हथेली से मसल लेंगे, ऐसे ऐसे मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसे, अब इसके बनाएंगे लड्डू। चलिए बनाते हैं लड्डू। ऐसे लड्डू बना लेंगे, अब इसको ये नारियल के बूरा में ऐसे करके और ये रख देंगे ऐसे। इसको भी ऐसे ही कर देंगे, ये ऐसे बनाएंगे। आप भी ज़रूर बनाकर देखिएगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लग। ऐसे बना लेंगे लड्डू ये, और ये ऐसे नारियल का बूरा लगा के रखते जाएंगे। अगर आपको ये सूखा लगे तो इसमें आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, लड्डू बनाने में थोड़ा सा घी और ऐड कर लें अगर सूखा लगे तो। ये देखिए हमारे लटाके लड्डू महुआ के बनके तैयार हैं, कितने स्वादिष्ट दिख रहे हैं। देखिए अब सर्व करने के लिए इसको एक ट्रे में रख लेंगे। देखिए ऐसे लड्डू बन के तैयार है लटाके। ऐसे ही स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।